मंदसौर के सामाजिक संगठन और परिवार के लोगों ने बैंड बाजों के साथ तीन सैनिकों का किया मंदसौर में भव्य स्वागत। मंदसौर पहुंचे 17 साल देश की सेवा कर लौटे तीन सेना के जवानों का मंदसौर की जनता ने किया भव्य स्वागत। मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहे पर 17 साल देश की सेवा कर लौटे तीन सेना के तीन जवानों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही तीनों सेना के जवानों को खुली जीप में बिठाकर उनका शहर में जुलूस निकाला गया व जुलूस के साथ उनको घर तक छोड़ा गया। रिटायर्ड फौजी नरेंद्र खटवर जो कि मंदसौर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं मंदसौर की जनता द्वारा दिए गए सम्मान से गदगद हूँ। सेना के जवानों के प्रति प्रेम और स्नेह देख मन गदगद हो गया है। विनय दुबेला द्वारा 1:35 पर रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया और यह भी बताया कि देश की सेवा करने वाले सेना के जवानों का भव्य स्वागत मंदसौर की जनता ने बैंड बाजों के साथ किया और यह चल समारोह के रूप में शहर के घंटाघर, गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, बीपीएल चौराहा क्षेत्र में घुमाया गया। मंदसौर गांधी चौराहा पर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस द्वारा भी सैनिकों का स्वागत सम्मान किया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सौमिल नाटा व अन्य कार्यकर्ता नेताओं ने दी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और नाचते झूमते हुए युवा हाथों में झंडे लेकर नजर आए। बैंड बाजों के साथ सेना के जवानों को घुमाया गया और आतिशबाजी भी जगह जगह की गई। विगत लगभग 5 वर्षों से मंदसौर की भूमि पर भारतीय सेना में सेवाएं देकर 17 वर्ष की भारत भूमि की रक्षा से लौटने वाले समस्त राष्ट्रभक्तों का सम्मान किया जाता था, उसी क्रम में आज 3 राष्ट्रभक्त मंदसौर के 17 वर्ष की सेवा पूरी करके आए। पूरे मंदसौर ने पलक पावड़े बिछाकर उन सैनिकों का सम्मान किया है और यही चल समारोह है कि उनको हर्षोल्लास के साथ पूरे राष्ट्रभक्ति वातावरण में उनके घर तक छोड़ने जा रहे हैं। राजनायक नरेंद्र कुमार, मैं भारतीय सेना में 17 साल करके पूरा करके और अभी जस्ट अभी आए हम लोग और आज सुबह से ही हमारा जो स्वागत हो रहा है ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी। विनय जी और इनके जो हमारे दिवला जी जो हमारे हैं सब उनकी तरफ से जय भारत मंच की तरफ से बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। ये सेनाओं में जो ये चीज़ चालू हो गई है ये बहुत अच्छी और सबसे अच्छी लगी आज की तारीख में। कुछ देखने वाला है कि कुछ युवा रास्ता भटक रहे हैं सेना में जाने के लिए, मतलब नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या कहना आपका? सेना में जो रास्ता भटक रहे हैं उनके लिए वो अपनी मर्जी से आज चाहते हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आज की तारीख में अधिकतर बंदे जो बंद हुआ है कोरोना की वजह से अधिकतर अभी जाने के लिए उत्सुक हैं, पर ये भर्ती नहीं निकलने के कारण ये लोग अभी रुके हुए हैं सारे। और आगे अगर अभी भर्ती खुलने वाली है नेक्स्ट, अगर लग रहा है 2022 में अभी खुल जाएगी तो हो सकता है अधिक से अधिक जनसंख्या मंदसौर ज़िले की अधिक से अधिक जनसंख्या फौज में आज की तारीख में जाएगी, क्योंकि जो उत्साह ये देखने को मिल रहा है इस हिसाब से तो बहुत बंदे आराम से जाएंगे। क्या सुना है आपका? मेरा नाम लास्ट नायक नरेंद्र खटवड़, संजीत नाके पर रहता हूँ मैं।